जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबरों में। दोस्तों आपको बता दूं कि दो बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। दोस्तों खबर क्या क्या है आपको बता दूं। दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर बड़ी अपडेट है, और वहीं दोस्तों गोपालगंज एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों क्या है खबर बताएंगे पूरे विस्तार से, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों देश प्रदेश और कुशीनगर एयरपोर्ट से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि खबरों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों आज की पहली खबर में आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक दरभंगा के बाद बिहार के गोपालगंज एयरपोर्ट को चालू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द इस एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को मंजूरी मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि खबर के अनुसार बिहार में पटना लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, गया के बोधगया एयरपोर्ट और दरभंगा एयरपोर्ट के बाद यह गोपालगंज का चौथा हवाई अड्डा होगा, जहाँ से देश के अलग अलग शहरों के लिए फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि गोपालगंज के सभ्या हवाई अड्डे के रनवे की मरम्मत व परिचालन गतिविधियों में तेजी लाने को लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले और इसको जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार गोपालगंज के सभ्या हवाई अड्डे को RCS उड़ान के तहत चालू करने की अनुमति पूर्व में मिल चुकी है। वही नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसको लेकर सहमति दी है। बहुत जल्द गोपालगंज का ये एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि गोपालगंज के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुगम व बाधारहित संचालन व विमान प्रचालनों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कलर कोडिंग जोनिंग मैप के अनुसार भवनों की ऊंचाइयों का मानक तय कर दिया है। इसके अनुसार ही कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण समेत अन्य विभागों के सक्षम अधिकारी भवन निर्माण की अनुमति दे सकेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि मैप के रेड जोन में बिना NOC किसी भी प्रकार के भवन का निर्माण नहीं होगा। बैगनी जोन में 110 मीटर, नीला में 120 मीटर, पीला 130 मीटर, स्लेटी 160 मीटर, हल्का बैगनी 190 मीटर व हरे जोन में 220 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन का निर्माण नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कलर कोडिंग मैप के दायरे में आने वाले गांवों की सूची व निर्माण के मानक आदि की जानकारी ब्यौरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। नए नियम एयरपोर्ट की परिधि में स्थित 160 से अधिक गाँव दायरे में आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व विद्यावासिनी राय ने AAI व उत्तर प्रदेश उड्डयन निदेशालय से प्राप्त निर्देश व मानक को कसिया नगर पालिका, तहसील प्रशासन व जिला पंचायत राज अधिकारी व ग्राम पंचायत सचिवों को पत्र भेजकर अवगत कराया है और आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस संबंध में कसिया के सचिव व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पूर्ण बोरा ने बताया कि कलर कोडिंग जोनिंग मैप को ध्यान में रखकर निर्माण की अनुमति दी जा रही है। यदि कहीं नियम के विपरीत निर्माण की शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर एयरपोर्ट को चालू करने के लिए हर जरूरी काम पूरा किया जा रहा है। दोस्तों बहुत जल्द कुशीनगर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों काफी समय से कुशीनगर एयरपोर्ट को चालू करने की बात हो रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों आज की खबरों में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों देश प्रदेश और कुशीनगर एयरपोर्ट से जुड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि खबरों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से ताज़ा और बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद जय भारत।